हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इन्फो नॉलेज हब। और ये वीडियो आपका क्लास नाइन्थ के चैप्टर टू के लिए है, जिसमें हम देखेंगे केमिस्ट्री का जो पार्ट है, जिसमें देखेंगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर में डिफरेंस। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर में क्या डिफरेंस होता है, इसको देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम सीधे अपने कंटेंट की ओर चलते हैं। क्लास नाइन्थ का है चैप्टर नंबर टू। तो चलिए फिर सीधे मैं एक नया बोर्ड ओपन करती हूँ और सीधे हम अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये काफ़ी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है और जल्दी इजीली समझ भी नहीं आती है कि आखिर एलिमेंट और मिक्सर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि सब्सटेंसेस को, मटेरियल को हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले प्योर और इम्प्योर में डिवाइड करते हैं। हमारे सब्सटेंसेस कितने तरह के होते हैं मैं आपको सामने सामने लिख के दिखा रही हूँ। सब्सटेंसेस जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम टू पार्ट में करेंगे। एक में हो गया प्योर और दूसरा हो गया हमारा मिक्सर, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब प्योर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एलिमेंट और दूसरा हमारा है कंपाउंड, जिसके बारे में हमें अभी पढ़ना है। दूसरा हमारा है कंपाउंड। और मिक्सर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस जिसको हम अपने अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा फोकस है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर पे, उसके टाइप्स को हम अभी नहीं देखेंगे। तो मैं नया बोर्ड ओपन करती हूँ। एलिमेंट क्या होता है, सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ कि अगर कोई भी सब्सटेंस अपने एलिमेंट्री फॉर्म में हो, प्योर फॉर्म में हो, मतलब उसमें किसी चीज़ की मिक्सिंग नहीं हो, तो वो एलिमेंट कहा जाता है। और एलिमेंट को मैंने प्योर फॉर्म में भी रखा था, आपने देखा अभी कि एलिमेंट को मैंने प्योर बोला। प्योर क्यों बोला, क्योंकि ये एलिमेंट एक सिंगल पार्टिकल से बना होता है। कोई भी एलिमेंट जो है सिंगल पार्टिकल से बना होता है। एलिमेंट में आपके सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये मेटल, नॉन मेटल, जितनी भी आपकी पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड वगैरह हैं, वो सारे एलिमेंट में आएंगे। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सोडियम का, जिसको हमने सिंबल N से रिप्रेजेंट किया। तो जब हम सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम जब हम लेंगे तो एक कंटेनर में अगर हमने सोडियम लिया तो हर पार्टिकल का जो सोडियम होगा, मतलब एक कंटेनर में जब हमने सोडियम की बात बोली तो हर सोडियम का फिजिकल और केमिकल नेचर सेम होगा। उसमें और किसी चीज़ का मिक्सचर नहीं है, मिलावट नहीं है, ये प्योर फॉर्म में है क्योंकि हमें वहाँ पे केवल सोडियम मिल रहा है। तो ये हमारा सोडियम क्या है, एलिमेंट है। इसी तरह हमने अगर क्लोरीन लिया तो क्लोरीन लिया कंटेनर में, मैंने बोला क्लोरीन गैस लिया है, क्लोरीन लिया है, तो उस कंटेनर में केवल क्लोरीन के ही पार्टिकल होंगे, क्लोरीन का ही एटम होगा, तो इसको भी हमने क्या बोला, प्योर बोला, ठीक है। और ये भी एक तरह का एलिमेंट है और इसमें भी किसी चीज़ का मिक्सिंग नहीं है। तो एलिमेंट आपने देखा जो अपने प्योर फॉर्म में होता है, जिसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं होती है। अभी एग्जाम्पल मैं आगे भी दूंगी जिससे हम समझेंगे। अब मिक्सर क्या है, मिक्सर को हम देखते हैं। फिर आखिर मिक्सर क्या है, एलिमेंट तो हमने समझ लिया, आखिर मिक्सर क्या है, ठीक है। हमने अभी आपको बताया था कि प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड है और दूसरा इम्प्योर में मिक्सर है, लेकिन अभी कंपाउंड की बात नहीं, अभी हम मिक्सर की बात करेंगे। मिक्सर जैसा कि वर्ड आपको पता चल रहा है, मिक्सर जिसमें कि मिक्सिंग हो, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की मिक्सिंग हो। मान लीजिए कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, इसमें ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ठीक है। फिर मान लीजिए हमारे पास इसमें दूसरा एलिमेंट है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो ये हमारा मिक्सर होगा, क्योंकि आपने देखा इसमें मिक्सिंग है, दो एलिमेंट की मिक्सिंग है, अंडरस्टूड, दो एलिमेंट इसमें मिक्स हो रहे हैं, लेकिन ये फिजिकली कॉम्बाइन है, ये कहीं से भी रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। मिक्सर में फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि अगर हम चाहें तो इस एलिमेंट को, इस पार्टिकल को निकाल के अलग कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस अब क्या होता है, हैंड पिकिंग होता है, इवेपोरेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है,
जिसको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है वो मिक्सचर हो जाता है। तो आपने देखा ये अभी भी बस ये मिक्स हुए हैं, इनमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। तो इसी वजह से मिक्सचर जो भी होता है उसमें हर एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी एज इट इज होती है, प्रॉपर्टी जिसमें एज इट इज होती है। अगर ये मिक्सर का एक पार्टिकल है, इसकी प्रॉपर्टी अपनी होगी मिक्सर में अभी भी होगी। अगर ये मिक्सर का पार्टिकल है तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी इसमें रहेगी, क्योंकि ये 100% मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो ये आपका मिक्सर है। तीसरा हम देखेंगे कंपाउंड। कंपाउंड के लिए हम देखेंगे, फिर से हमने सेम चीज़ ड्रॉ किया। कंपाउंड में क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाता है। कंपाउंड में क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है, अभी हम मिक्सर को जिस कलर से किया था उसी कलर को मैं कंपाउंड्स को करूँगी। ये देखिए, ये केमिकल कॉम्बिनेशन होके और कोई नया सब्सटेंस ही बन गया। ये आपने केमिकली ये कॉम्बाइन हो गया। ये एलिमेंट अलग था, ब्लू कलर का, रेड कलर का जो मैंने बनाया है एलिमेंट अलग था, पर इसने केमिकल क्या किया, कॉम्बिनेशन कर लिया। अब आपको जो आपका ब्लू कलर का स्क्रीन पे कोई एलिमेंट दिख रहा है उसको हम इजीली रेड वाले से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया। क्या हो गया इसमें, केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया। केमिकल कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये क्या हो गया, केमिकली कॉम्बाइंड हो गए, और इसको हमने बोला कंपाउंड। कंपाउंड में अब आपका नेचर, एक एलिमेंट का इसका नेचर जो है अब इसके पास नहीं रहेगा, और ब्लू वाले का जो एलिमेंट अगर हमने कोई लिया है इसका भी नेचर इसके पास नहीं रहेगा। अब दोनों का कॉम्बाइन नेचर हो जाएगा, मतलब जो एलिमेंट हमने एक पहला एलिमेंट और जो सेकेंड एलिमेंट उसमें मिक्स करके कंपाउंड बनाया वो दोनों के कॉम्बिनेशन का नेचर आ जाएगा। ये अपना नेचर ये नहीं दिखाएंगे। तो कंपाउंड में हर एलिमेंट का अपना नेचर नहीं दिखता है, क्योंकि वो केमिकली कॉम्बाइन हो रहे हैं, और इनको सेपरेट करना नॉट ईजी, ईजी नहीं है। इनको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, फिजिकली प्रोसेस से इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इनको सेपरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ता है। तो ये देखा आपने, ये आपका कंपाउंड था। तो ये जो है मिक्सर, कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंस है। अब मैं आपको एक केमिकल उससे समझाना चाहती हूँ, रिएक्शन से समझाना चाह रही हूँ। नमक, जब हमने सॉल्ट बनाया, सॉल्ट आपको तो पता है 7 से पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड से बनता है, सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारा सॉल्ट बना, जिसका नाम हमने दिया सोडियम क्लोराइड, NaCl। यही होता है सॉल्ट का स्ट्रक्चर आपका, सॉल्ट में यही होता है, एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन। तो सोडियम क्या है, एलिमेंट है। सोडियम क्या है, एलिमेंट है, अपने आप में एलिमेंट है। क्लोरीन भी अपने आप में एलिमेंट है। अब लेकिन जब ये कॉम्बाइन हो गया तो अब इसमें ना तो सोडियम की प्रॉपर्टी रहेगी ना क्लोरीन की प्रॉपर्टी रहेगी। ये सॉल्ट जो टेबल सॉल्ट है ये हो गया। अब इसमें दोनों के का कॉम्बाइन कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, और सोडियम को क्लोरीन से अलग करना अब ईजी नहीं होगा, नॉट ईजी। आप ईजीली सोडियम को क्लोरीन से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, जब दो एलिमेंट कॉम्बाइन हो गए और इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो सोडियम क्लोराइड आपका क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। अब हमने क्या किया, अब हमने इस सोडियम क्लोराइड को क्या किया, सॉल्यूशन बना दिया, वाटर में डिजोल्व कर दिया। किस में डिजोल्व कर दिया, वाटर में, H2O में। जब वाटर में डिजोल्व किया तो एक्वस फॉर्म में सोडियम क्लोराइड आ गया, इसको हम ब्राइन बोलते हैं। जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं इसको हम ब्राइन भी बोलते हैं। तो जब वाटर में डिजोल्व हो गया तो आपको पता है कि कंटेनर में जब हमने वाटर में डिजोल्व किया तो सोडियम क्लोराइड 100% जो है वाटर में डिजोल्व हो जाता है। अंडरस्टूड, 100% डिजोल्व हो गया। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि अब ये जो सॉल्यूशन है, मतलब कि सोडियम क्लोराइड और वाटर का, तो ये क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है कि मिक्सर है। तो चलिए हम इसको नए बोर्ड से समझेंगे। तो आपने देखा कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो हमारा सॉल्ट है वो वाटर में डिजोल्व हो गया 100%, कहीं भी दिखाई नहीं देगा, 100% डिजोल्व हो गया, सॉल्यूशन बना लिया उसने।
इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे मिक्सर, इस सॉल्यूशन को हम मिक्सर बोलेंगे। हम क्यों मिक्सर बोलेंगे इसको, क्योंकि अभी भी सोडियम क्लोराइड को हम जो है वाटर से अलग कर सकते हैं। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो मैंने मिक्सर का क्या बताया था कि फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। तो इवेपोरेशन में वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा और कंटेनर में जो है आपको सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो है बॉटम में बैठ जाएगा, सॉल्ट बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने बोला मिक्सचर, किसको? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और वाटर। और जबकि इसमें सोडियम क्लोराइड में और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें NaCl अपने आप में क्या है, कंपाउंड है। वाटर, वाटर भी अपने आप में क्या है, कंपाउंड है। ये दोनों अपने आप में कंपाउंड है, बट जब ये मिक्स हो जाते हैं तो फिजिकली मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि इनको इवेपोरेशन के प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो देखा आपने, H2O और NaCl अपने आप में कंपाउंड हैं, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिकल इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देके इसको किया जाता है, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं होते हैं। तो ये दोनों अपने आप में कंपाउंड है, लेकिन सॉल्यूशन बन जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, मिक्सर हो जाते हैं, एज पर डेफिनेशन ऑफ मिक्सर। तो आप इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या फ़र्क है आपका मिक्सर कंपाउंड और एलिमेंट में। तो एक मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे कि अगर आप घर में ही बताना चाह रही हूँ, देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पे NaCl, यहाँ पे वाटर, इनका सॉल्यूशन बनाना है। तो H अपने आप में क्या है, एलिमेंट है, E लिखा, O ऑक्सीजन अपने आप में क्या है, एलिमेंट है, Na क्या है, अपने आप में एलिमेंट है, और Cl भी क्या है, एलिमेंट है। बट NaCl सोडियम क्लोराइड अब क्या है, कंपाउंड है, और H2O मतलब वाटर भी क्या है, अपने आप में कंपाउंड है। पर जब इसका सॉल्यूशन बन जाता है, जब इसका सॉल्यूशन बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, ये सॉल्यूशन मिक्सर है, क्योंकि हम इसको इजीली फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपका एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर में डिफरेंस है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।